दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि पीसीआई का बहुत दिन से कोई भी सर्कुलर या नोटिस नहीं आ रहा है, लेकिन कल ही जो है 2 बजे के बाद पीसीआई के वेबसाइट पर 19 जून को नोटिस आई, और ये महत्वपूर्ण नोटिस है जिसे समझना आपको बेहद ज़रूरी है। इस नोटिस में जो सेक्रेटरी हैं पीसीआई की, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो फार्मेसी का कोर्स है वो एक पारामेडिकल कोर्स नहीं है, जो कि इसे अन्य कोर्स से अलग करता है। जिस तरह से डॉक्टर का अपना एक अलग कोर्स होता है, उस तरह से फार्मेसी प्रोफेशन एक अलग कोर्स है और इसे पारामेडिकल के जैसा नहीं देखा जाना चाहिए। पारामेडिकल कोर्स में जो जॉब आती है और जो ड्यूटी होती है, फार्मेसी में जॉब अलग होते हैं और उनकी ड्यूटी अलग होती है। फार्मेसी में लाइफ टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक डॉक्टर की तरह, जिस तरह डॉक्टर अपना लाइफ टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस तरह से फार्मेसी किया हुआ कोई भी स्टूडेंट लाइफ टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। वहीं अगर बात की जाए पारामेडिकल पढ़ाई करने वाले जो भी लोग हैं, वे सिर्फ जॉब कर सकते हैं और एक समय के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है, वे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फार्मेसी में आए दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी में एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के हो या फिर नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फार्मेसिस्ट हैं उनको प्रैक्टिस अधिकार देने का या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने का, जिससे कि फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और कुछ स्टेट ने फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट को लागू कर दिया, जैसे कि अभी हाल में बिहार में फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 को लागू किया गया। तो इस तरह से फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट लागू होने से आपको प्रैक्टिस का अधिकार मिलता है, और ये प्रैक्टिस का अधिकार प्राप्त आपको तभी हो पाएगा जब आप एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। एग्जिट एग्ज़ाम को पास करवाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आसानी से उसे पास कर सकते हैं। बस अगर आपके पास संयम हो, मेहनत करने का जज्बा हो और साथ ही साथ हर रोज़ 1 या 2 घंटे पढ़ाई करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये 3 गुण आप में है तो आप आराम से एग्जिट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग कोर्स है, ये पारामेडिकल कोर्स नहीं है जैसा कि इस नोटिफिकेशन में लिखा है। इसीलिए अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, ताकि आप आसानी से अपने सपने को साकार कर सकें और फार्मेसी प्रैक्टिस कर करके अपने परिवार को और खुद को एक बेहतर पैसा कमाने के लिए और आजीविका का साधन रोजगार उपलब्ध आप कर सके। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।